जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डीआरटी और बीआरटी के बारे में। इनका क्या स्कोप है, इनमें कौन सी गवर्नमेंट नौकरियां निकलती है, यदि आप ये कोर्सेज कर लेते हो तो आपकी क्या गवर्नमेंट नौकरी लगना पक्की है, इसके अलावा आप प्राइवेट सेक्टर में कहाँ पर जा सकते हो, इनके आर्मी में भी वैकेंसीज आती है या नहीं, इसके अलावा अपन बात करें कि आप कौन सी बेस्ट कॉलेज है, कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके अलावा यदि आप ये कोर्सेज कर लेते हो तो आपको क्या नौकरी मिलना पक्का है या तय है, और इनके वेतन कितना होता है, और आप कहां कहां पर अप्लाई कर सकते हो, डीआरटी क्या होता है, बीआरटी क्या होता है, इन सभी बातों के बारे में आज अपन डिटेल से इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के द्वारा आपको सभी प्रकार की हेल्प की जाती है, और यदि आप स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाए, क्योंकि हम आपकी सभी प्रकार की हेल्प करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि डीआरटी और बीआरटी होता क्या है। तो डीआरटी होता है डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, और ये 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्सेज होता है जो पैरामेडिकल के अंतर्गत आता है, और बीआरटी होता है बैचलर इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी जो 3 ईयर्स का होता है। डीआरटी में आप डिप्लोमा के साथ साथ कोई भी डिग्री बीए बीएससी की डिग्री भी ले सकते हो। आजकल इन डीआरटी व बीआरटी की खूब डिमांड है, ज़्यादातर हॉस्पिटल में इनकी अभी कमी है, तो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है डीआरटी और बीआरटी की। इन क्षेत्र में अभी बहुत अच्छा स्कोप है और भीड़ भी कम है। आजकल जहाँ पर आप देखते हो हर एग्ज़ाम में 20 लाख 25 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, लेकिन अभी इनमें सीटें खाली जा रही है, अभी इनको किसी को पता नहीं, तो इस क्षेत्र में अभी बहुत ही कम कंपटीशन है और बहुत ही अच्छा स्कोप है इस क्षेत्र में। हम बात करें कि यदि प्राइवेट सेक्टर में बात करना चाहें, तो यदि आपने डीआरटी या बीआरटी कर रखी है तो प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ही बढ़िया है। आपको शुरुआत में फ्रेशर के रूप में 10,000 से 20,000 रुपये तनख्वाह के रूप में रख लिया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यदि मैं आपको बात करूं, तो आपको 18 ईयर्स या 17 ईयर्स प्लस है तो आपको ये कोर्स कर सकते हो, यानी आप 12वीं पास होने चाहिए। 12वीं पास यदि आप पीसीबी या पीसीएम से हैं तो आप डीआरटी यानी डिप्लोमा कर सकते हैं, लेकिन यदि आप 12वीं पास पीसीबी से हैं यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से हैं तो आप केवल आप बीएससी आरटी कर सकते हैं, अर्थात केवल बीएससी आरटी पीसीबी वाले ही कर सकते हैं, पीसीएम वाले नहीं कर सकते। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि आप इसके क्या गवर्नमेंट में भी इनकी वैकेंसीज आती है। जी हाँ फ्रेंड्स, गवर्नमेंट में भी इनकी बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आती है, जैसे एम्स दिल्ली हो गया, स्टेट लेवल पर भी इनकी वैकेंसी आती है और सेंट्रल लेवल पर भी इनकी वैकेंसीज आती है। स्टेट लेवल पर स्टेट में बहुत ही अच्छी वैकेंसीज निकल के आती है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है, और इनकी जो शुरुआत में फ्रेशर के रूप में जो आपको तनख्वाह दी जाएगी वो 20 से 35 हज़ार के बीच दी जाएगी स्टेट लेवल पर। और यदि आपका सेंट्रल लेवल पर चयन हो जाता है एम्स दिल्ली वगैरह में, या एम्स जो आपकी स्टेट लेवल के होते हैं उनमें चयन हो जाता है, तो आपको लगभग 30,000 से 50,000 के बीच में आपकी तनख्वाह रहती है शुरुआत में फ्रेशर के रूप में। और जो जो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उसी के साथ आपकी तनख्वाह भी बढ़ती जाती है, और आपके वो भी देखते हैं कि आप कौन से हॉस्पिटल से आपने ये डीआरटी या बीआरटी का डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ कि इसमें आप कहाँ कहाँ पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारी आर्मी हो गई, नेवी हो गई, इनमें भी अच्छी अच्छी वैकेंसीज आती हैं इनकी, और आप इनमें अच्छे से यदि परफॉर्म करते हो तो आपका नौकरी लगने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि इनमें अभी कम भीड़ है, मैंने आपको पहले भी बताया, और की तुलना आप इसके अलावा अपना डीआरटी का लैब भी खोल सकते हैं। और इनमें डीआरटी में क्या क्या होता है, एक तो आपके एक्सरे होता है, एक्सरे टेक्नोलॉजी आती है, एमआरआई आती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आती है, और आरटीपीसीआर आती है, सीटी स्कैन आती है, अल्ट्रासाउंड आती है, ये बहुत ही अच्छी अच्छी आती है, जिससे आप किसी में भी आपको आसानी से नौकरी मिलने के चांस है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इन कोर्सेज में, यदि आप नीट वगैरह में सिलेक्शन एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप ये कोर्स ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे कोर्स है, तो आप इन कोर्स को ज़रूर देखना एक बार, आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। तो आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किसी प्रकार की हेल्प के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।